स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं अर्थवेदिक प्रिपरेशन का सबसे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 15। ओके, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जो अर्थवेदिक प्रिपरेशन है उसका जो प्रॉब्लम सेट है वो प्रॉब्लम सेट में फिलहाल मैं करके ले दूंगा। उसका रीजन ये है कि चाहे हम ऑनलाइन कितना भी पढ़ा लें, जब तक हम लोग फिजिकली नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप लोग क्लास पर प्रेजेंट नहीं रहते हो, तब तक पढ़ा के कोई मतलब नहीं रहता है। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि कैसे धीरे 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 अपने एक एक दो दो लेसन कंप्लीट हो जाए, ताकि जब ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाए और क्लासेस चालू हो जाए तब हमारे लिए काफी बेनिफिट्स हो उसी चीज को समझने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि मैंने अर्थवेदिक प्रिपरेशन के पूरे 15 पार्ट बनाए हैं। ऐसा भी है कि कुछ पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है और कुछ पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। मे भी हो सकता है कि मैंने बहुत स्पीड बता दिया हो, या फिर मे भी हो सकता है कि मैं अपने माइंड तक के रीच नहीं कर पाया। तो इसलिए जब मैं रिवीजन कराऊंगा, तो रिवीजन जब आप लोग आओगे फिजिकली तब हम लोग रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ ही जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट आएंगे एक्सरसाइज 3.1 से पूरे, और उसी समय रिवीजन करते करते हम लोग पूरा प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी हम कल के दिन से यानी नेक्स्ट पीरियड से हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग ये सोचेंगे कि पीछे वाले जो लेसन है यानी जो अपने क्लास में बाद में पढ़ाए जाने वाले हैं लेसन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो पहले आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। वैसे भी हर साल मुझे ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 बार पढ़ाना पड़ता है, तो इस साल भी मैं ट्राई करूंगा कि एक बार अभी ऑनलाइन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं और एक बार फिर आप लोग क्लास में आओगे, ताकि जब ऑनलाइन वीडियो रहेगा तो आप एक ही क्वेश्चन को कितने बार भी देख सकते हो। यानी फ्यूचर में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप आराम से उसी वीडियो को बार बार रिवर्स करके फॉरवर्ड करके जैसे देखना आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद न्यू। देखो ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, जब लास्ट पीरियड दिया था तो लास्ट पीरियड में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज एन ऑडिटोरियम ओके विद 27 रोज इन द सेम्स ऑफ सीट। अब अपने क्या एक ऑडिटोरियम दिया है जहां पे टोटल 27 रो ऑफ सीट दिया है, मतलब कितने रो है वहां पे 27 है। देयर आर 26 इन द फर्स्ट रो, यानी मान के चलो इस टाइप का स्टेज होगा, अगर यहां पे स्टेज होगा ओके दिस इज व्हाट स्टेज, समझे। अगर ये स्टेज है तो वहां पे फर्स्ट रो देखो ऐसा है जिसमें 26 है ओके, फिर सेकंड वाले में कितने हैं 22, सेकंड वाले रो में 22 सीट्स हैं, थर्ड रो में 24 सीट्स हैं, 24 सीट्स इन थर्ड रो, दिख रहा, एंड सो ऑन। और ऐसे ही रो है वहां पे, और ऐसे टोटल कितने रो है देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और ऐसी टोटल अपने को 27 रो दिया हुआ है। कितना दिया है 27 रो, समझेगा। मान के चले 15th नंबर का रो है और 27 नंबर का रो है, समझे मेरी बात। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये बात तो समझ में आ गया कि ऑडिटोरियम किस टाइप का रहता है, कि सामने स्टेज रहेगा और बाद में चेयर्स लगे हुए हैं ओके। तो यहाँ पे पहले वाले में सबसे पहला जो है वहां पे 26 लगे हैं, जैसे थिएटर नहीं रहता, थिएटर में कैसे रहता है कि देखो पहले कम चेयर रहती है फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चली जाती है। तो इसी से पहले स्टार्टिंग में 20 चेयर है, उसके बाद 22 चेयर है, उसके बाद 24 चेयर है, और ऐसे करते करते आप देखोगे इंक्रीज होते जा रहा है। तो हमें क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो ये जो 15th वाला जो रो है ना, इसमें टोटल चेयर कितना होगा, यानी उस लाइन में कितना चेयर होगा, टोटल सीट्स इन 15th रो, यानी जो 15 नंबर का रो है वो 15 नंबर के रो में कितना चेयर होगा। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। आपका जो 15th रो है उस 15th रो में कितने चेयर होंगे वो ये हमें बता के दिखाना है, समझे मेरी बात। क्या बताना है कि 15th रो में कितने चेयर प्रेजेंट हैं, सुनने के लिए मेरी बात, क्या बोला मैंने,
15th रो में कितने चेयर है हमें ये बता के दिखाना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, और हमें उसके बाद बताना है कि टोटल यहाँ पे कितने चेयर्स है, यानी सबको प्लस करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर तो लास्ट तक मुझे प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट हमें टी वन क्या दिया है, पहले वाले की लाइन में कितने हैं 21, सॉरी पहले लाइन में 20 है, दूसरे लाइन में कितना है 22 और तीसरे लाइन में कितना है 24, समझे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले लिखोगे T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 20, सो कितना आ रहा है आपका बताओ मुझे 2 आएगा। फिर देखो T3 माइनस T2 कितना आएगा, वो आएगा आपका 24 माइनस 22, सो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये भी आपका 2 आ गया और ये भी आपका 2 आ गया, और दोनों अगर 2 आए इसका मतलब क्या हो गया, क्या लिखेंगे हियर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम ओके, देयरफॉर इट इज एन एपी, इसका मतलब ये एपी हो गया। अगर ये एपी है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 20 आएगी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है कि 15th नंबर के रो में कितने चेयर होंगे, यानी 15th नंबर वाले में कितने होंगे, तो देखो 20 22 24 26 28 ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 30 32 34 36 38 ऐसा होगा। तो हमें बताना है कि 15th वाले में कितना होगा, तो इसका मतलब हमें निकालना है T15 ओके। उसके बाद हमें बोला है कि पूरा मिलाकर कितने चेयर होंगे, तो इसका मतलब हमें निकाल के देखना है S27 निकाल के दिखाना है, S27 इक्वल्स टू व्हाट, समझे। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, TL का फॉर्मूला लगाएंगे। सो TL क्या हो गया, A+N-1D ओके। सो बताओ TL कितना है, N कितना लेंगे 15 लेंगे, तो कितना हो जाएगा T15 इक्वल्स टू A कितना है 20 प्लस 15-1 और यहां पे D कितना है 2, तो 20 प्लस 15 में से बन गया तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके जो 15th नंबर का जो रो है वो 15th नंबर के रो में कितने चेयर है 48 चेयर है। हमें साथ में एक और क्वेश्चन बोला है, फाइंड टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम निकालना है S ऑफ N निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है S ऑफ N का बताओ मुझे, हमारे पास फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू N अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D ओके। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 27 है, कैसे पता चला, क्योंकि पहले ही बोल दिया पहले लाइन में कि टोटल कितने सीट्स है वहां पे 27 रो है, कितने 27, इसका मतलब क्या होगा ऐसे कितनी लाइन्स है, ऐसे 27 लाइन है, तो हमें निकालना पड़ेगा S27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 और फिर क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे 2 इनटू A की वैल्यू 20 है प्लस N हो गया 27-1 और D की वैल्यू क्या होगी 2 ये आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे 27 अपॉन 2 और फिर क्या आएगा बताओ मुझे, 22 का 40 प्लस 27 में से बन गया तो 26 इंटू 2 आ गया। अब क्या होगा सोचो, 27 अपॉन 2 इंटू, अब क्या होगा सोचो आगे, ये हो गया देखो 40 आ गया प्लस और ये कितना आएगा 52, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 46, सो कितना होगा 27 इंटू 46। अब आप खुद मल्टीप्लाई करोगे इसको और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे सेंड करोगे ओके, समझे मेरी बात। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट आंसर लिखेंगे फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर में हमें लिखेंगे देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो, कि 15th रो जो है वो 15th रो में कितना सीटें हैं आपका
दूसरा आंसर क्या है हमारा, दूसरा आंसर है देयर आर टोटल सिक्स इन ऑडिटोरियम, सिक्स इन ऑडिटोरियम। अब यहां पे जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने वो वैल्यू आप लोग लिखोगे, समझे मेरी बात। तो ऐसा करके हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया, समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। चलो लिखो इसको, हाय स्टूडेंट, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उम्मीद कर ही लिया होगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों ने क्वेश्चन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आपने एक बार देखा ही होगा कि आने वाला क्वेश्चन ऐसा है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कारगिल में मंडे से लेकर सैटरडे तक का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ओके। यानी मंडे को क्या गया, फिर ट्यूजडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, उसका फिर सैटरडे को, तो ऐसे 6 दिन का टेम्परेचर मेजर दिया गया, ओके। ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, और ये सारी की सारी रीडिंग क्या है, एपी में है, समझे, सारी रीडिंग कहां में है, एपी में है। The sum of temperature on Monday and Saturday. तो मंडे और सैटरडे इसका टेम्परेचर अपने कितना दिया है, वो दिया है is 5 more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. यानी ट्यूजडे और सैटरडे से 5 ज्यादा है, ऐसा अपने को बोला गया है। फिर बोला है if the temperature of Wednesday, यानी हमको Wednesday का टेम्परेचर मेंशन है -30 degree. Find the temperature of other five days. यानी कौन से 5 days बचे? Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. अपने को इनके temperature measure करके दिखाना है। अब याद करो, कुछ दिन पहले मैंने consecutive term वाले question करवाए थे। याद है आपको? तो consecutive term में मैंने 3 वाले term के लिए क्या बोला था? कि अगर 3 term रहा, तो हम क्या लेंगे? बोलो, क्या बताया था मैंने? 3 term के लिए क्या बताया था? 3 term के लिए बोला था a माइनस डी ए, और बाद में क्या बताया था मैंने a प्लस डी, बाद में 4 कंजुगेटिव टर्म के लिए क्या बताया था मैंने, उसके बाद 5 कंजुगेटिव टर्म का क्या बताया था मैंने, याद है आपको 5 का क्या बताया था, पहले a माइनस 2d, मैंने बोला था देखो पहले a ले लेना, 2 ऊपर जाना 2 नीचे आना, यानी ऊपर गया तो a माइनस डी और यहां पे 2d, और नीचे आया तो a प्लस डी और a प्लस 2d, हो गया 5 दिन का। पर हमें यहाँ पे कितने दिन का लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का लेना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन और नीचे आना पड़ेगा। अब देखो कितने दिन हो गया, 6 दिन हो गया, समझे गया। तो हम क्या लिखेंगे, लेट टेम्परेचर ऑफ मंडे, हम कितना लेंगे मंडे के लिए, ये पकड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a माइनस 2d, ओके। उसके बाद किसका है ट्यूजडे का, तो टेम्परेचर ऑफ क्या आएगा ट्यूजडे, कितना आएगा a माइनस d, फिर टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना आएगा a, फिर टेम्परेचर ऑफ थर्सडे कितना आएगा a प्लस d, फिर टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे कितना आएगा a प्लस 2d, और टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना आएगा a प्लस 3d, ओके। तो ऐसे हमने क्या किया, एक एक दिन का टेम्परेचर को मेजर कर लिया, ओके, और हमने एक सीक्वेंस बना लिया। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, हमें क्वेश्चन में बोला है देखो द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज कितना बोला है 30 माइनस 30, सो इसका मतलब हमें क्या दिया है, हमें क्लियरली उसने क्या बता दिया, ए की वैल्यू, यानी हमें ए क्या मिला है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना दिया है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, therefore मैं a की वैल्यू कितना दिया है माइनस 30 डिग्री। देखो मैं a की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और रीड करके हमें d की वैल्यू निकालना है, और अगर हमने d की वैल्यू निकाल लिया तो समझ लेना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ओके। अब एक बार क्वेश्चन की कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ो आप लोग, सबसे पहले एक बार पढ़ो, पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करके कंडीशन को अच्छे से पढ़ो, ओके।
देखो पॉज तो के नहीं होगी, मैं जानता हूं आप लोगों को, मुझे अभी अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को बातें। द टेम्परेचर ऑफ क्या बोले, द सम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे का, मंडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे एंड सैटरडे का मतलब क्या होगा, मंडे का कौन सा भाई हम देखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या बोलता है हमें, कंडीशन ये बोलता है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, बोले तो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर, मंडे का कितना है ए माइनस टू डी और सैटरडे का ए प्लस प्लस ए प्लस थ्री डी। ओके अब देखो ये बना लिया मैंने, उसके बाद क्या दिया है हमें, बोला है वॉज एन इक्वल टू इज एम आर या वॉज रहा हम इक्वल टू लगाते हैं, क्या बोला है फाइव मोर देन यानी फाइव प्लस, समझे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे, ट्यूजडे का कौन सा है ए माइनस डी, ए माइनस डी और सैटरडे का ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी आ गया। अब देखो क्या कैंसल आउट होगा, ये थ्री डी से थ्री डी कैंसल होगा, ये ए और ये टू ए और ए और ये टू ए कैंसल हो गया, अब क्या बचा, अब यहां बचा माइनस टू डी और यहां बचा आपका, देखो d बचा था इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5 माइनस d बचा, अब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस 2d प्लस d इक्वल्स टू 5, सो 2d में से d लेते तो कितना आएगा माइनस d इक्वल्स टू 5, सो d इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो अब हमें a की भी वैल्यू मिल गई और हमें d की भी वैल्यू मिल गई, एक बार a और d के लिए हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ मंडे, कि मंडे का टेम्परेचर क्या है बताओ मुझे, क्वेश्चन के हिसाब से मंडे का टेम्परेचर है a माइनस 2d, तो मैं लिखूंगा a माइनस 2d। ओके अब a की वैल्यू कितनी की वैल्यू मुझे माइनस 30, सो माइनस 30 माइनस 2 इनटू d की वैल्यू कितनी है माइनस 5, सो मैं क्या लिखूंगा माइनस 5, सो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस और 10, तो 30 में से 10 कटेगा तो कितना आएगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये मंडे का टेम्परेचर हो गया। ओके उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्यूजडे का, तो क्या लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे कितना है बताओ मुझे, वो आपका ए माइनस डी, सो ए कितना है बताओ मुझे, ए कितना है माइनस 30 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, दो दिन का निकल गया, हमें वेडनेसडे का तो निकालना ही है, थर्सडे का निकालो तो क्या हो जाएगा, मैं यहां निकालू चलेगा, तीसरा निकालना टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, क्या थर्सडे का ए प्लस डी तो कितना हो जाएगा, ए कितना है माइनस 30 डी कितना है माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 30 माइनस 5 माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे वैसे हमें निकालना फ्राइडे का तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे क्या है ना टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे कितना है ना ए प्लस टू डी ए कितना है माइनस 30 प्लस 2 इनटू माइनस 5 सो माइनस 30 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ओके अब हमें क्या निकालना है टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, तो सैटरडे का टेम्परेचर हमें निकालना है, आराम से निकाल सकते हो और मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया। ओके पक्का, तो चलो आप इसे नोट करो, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है आप तो अपने टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मेरे भांजे ने क्वेश्चन बहुत अजब लिखा है, ये तो मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या पढ़ने आएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूंगा, इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती है। क्या बोला है ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन द लैंड Which is triangular in shape, यानी क्या किया गया tree plantation किया गया और उसका shape कैसा दिया गया triangular shape दिया गया Which is triangular in shape, अभी दो बार लिखा हुआ है कोई बात नहीं, पहली बार तो गलती करते ही है, क्या दिया Trees are planted such that in the first row there is a one tree, first row में कितना लगा है एक tree, in the second there are
टू ट्री, सेकंड रो में कितना दो ट्री है, इन द थर्ड रो देयर आर थ्री ट्री एंड सो ऑन, ऐसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द 25 रोस। तो पूरे 25 रोस है, यानी पहले लाइन में एक, दूसरे लाइन में दो, तीसरे लाइन में तीन, चौथी लाइन में चार, पांचवी लाइन में पांच, छठवी लाइन में इस टाइप का सिक्स है। तो ऐसे करते करके टोटल कितनी लाइन है, ऐसे 25 लाइन है। तो सोचो लास्ट लाइन में कितना होगा, लास्ट लाइन में 25 होगा, फर्स्ट लाइन में कितना है 1 है, ऐसे टोटल कितनी लाइन है 25 लाइन है। तो आप एक बार डाटा निकाल के देखो, डाटा क्या कहता है, T1 क्या कहता है 1, T2 क्या कहता है 2, और T3 कितना कहता है, यही कहता है। तो आप पहले आप चेक करोगे T2 माइनस T1 कितना आ रहा है 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1, T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा 1, कैसे बना है 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कितना है 1, therefore it is an AP, ये क्या है AP है। और अगर AP आ गया, अब देखो हमको A की वैल्यू कितनी मिल गई 1, यानी इसी बारे में ये भी बोल सकते ना कि हमें T1 कितना मिल गया 1। अब सिमिलरली मुझे एक चीज बताओ कि पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3, 25 वाले में कितना आएगा 25, तो क्या लिखेंगे T25 इक्वल्स टू कितना होगा 25, यानी लास्ट वाले में कितना होंगे 25, समझे, और n कितना होगा 25, तो क्या लिखेंगे हमें निकालना है S25 की वैल्यू। ओके, तो क्या फॉर्मूला है, We know that हमें आगे क्या बोला है, Find the total number of trees in 25 rows, अने पूरे 25 rows में कितने पेड़ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, S का फॉर्मूला लगाएंगे, so SN equals to N upon 2 bracket में T1 plus TA। अब S25 equals to क्या है, यहाँ पे 25 upon 2 bracket में क्या है, T1 क्या आएगा, कौन मुझे T1 आएगा आपका 1, और TN बोले तो लास्ट टर्म क्या है 25, सो क्या आ जाएगा बताओ मुझे 25 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 26, सो कितने का डिवाइड होगा ये 13 का, तो कितना हो जाएगा 25 × 13, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 325, और ये हो गया S25। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे प्लांटेशन कितने ट्री लगाए, तो हम लिख सकते हैं देयर आर, क्या लिखेंगे लास्ट में, देयर आर टोटल 325 ट्रीज इन 25 रोज। ओके, अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि पूरे का प्लस करना है। तो देखो यहां पे अगर निकालना होता तो 25th रो का निकालो तो बोलता था then find the number of trees, total number of trees नहीं बोलता, find the number of trees in 25 rows, और समझे, और रोज नहीं बोलता है, किसी रो आता, क्या था रोज, समझे, तो रो अगर आता कि 25th रो में कितना है, वहां पे मेंशन था 25th रो में कितना होता, तब हम लोग ट्री 25 निकालने की सोचते, पर यहाँ पे टोटल वर्ड ने क्या मेंशन कर दिया है कि सम निकालना है, समझे, और यहाँ पे रोज क्या मेंशन कर रहे कि पूरे 25 रो का निकालना है, पूरे 25 रो का। अगर मुझे सिर्फ 25 का पूछता ना तो वहां पे सिर्फ ऐसा देता 25, और यहां पे मेंशन करता कि 25th रो करके, एंड 25 बोलता तो अकेला पर्सनल आ जाता, समझे, पर यहां पे पर्सनल ले रहा पूरा का पूरा 25 रो जा रहा है। ओके, पक्का, तो चलो आप इसे भी नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व का 6th नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 77 पे, अगर आपका टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक निकालो, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा हुआ है, आप लोग टेक्स्ट बुक निकालो और टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, इन द ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब ऑफ अ सैलरी ₹1,80,000, यानी उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिली,
180,000 ओके पर ईयर। हर एम्प्लॉयर यानी उसका जो मालिक है एग्री टू गिव रुपीज 10,000 पर ईयर इंक्रीमेंट, यानी हर साल कितना इंक्रीमेंट देने के लिए बोला पर ईयर 10,000 का। देन हाउ मेनी इयर्स हर एनुअल सैलरी विल बी 2500, तो कितने साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 2,50,000 मुझे ऐसा बताना है कि कौन से साल में। तो लेट करके क्या लेंगे, लेट बताओ मुझे कि अपने को ए क्या दिया है, यानी स्टार्टिंग में कितना दिया है 1,80,000 ऐसा दिया हुआ है, बाद में डी कितना दिया हुआ है 10,000 का इंक्रीमेंट है समझे, लास्ट में कितना बताना है टीएल कितना दिया है 2,50,000 करना है। तो पता करना है कि कितने सालों में हो जाएगा, यानी हाउ मेनी इयर्स और हाउ मेनी मंथ, यहां पे ईयर ही बोला है तो हम ईयर ही पकड़ेंगे ओके। तो क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे टीएल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब बताओ टीएल कितना दिया है 2,50,000 इक्वल्स टू ए कितना दिया है 1,80,000 प्लस एन कितना है तो मुझे ये पता, मुझे एन माइनस वन और डी कितना है तो मुझे 10,000 सो क्या होगा आगे बताओ मुझे। हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, या फिर बाद में शिफ्ट करते हैं, पहले 2,50,000 लिखते हैं इक्वल्स टू 1,80,000 उसके बाद क्या दिए इसको अगर इंटीग्रल में और इसको इंटीग्रल में क्या होगा ये आ जाएगा पहले 10,000 n माइनस क्या हो जाएगा 10,000 आ गया। अब सोचो क्या हो रहा है, 2,50,000 इक्वल्स टू ये 1,80,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,70,000 आ गया, प्लस क्या आएगा 10,000 n आ गया। अब क्या होगा अगर हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे कितना आएगा बताओ मुझे 2,50,000 माइनस 1,70,000 इक्वल टू कितना आएगा 10,000 n। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 80,000 आएगा 80,000 इक्वल टू 10,000 n। अब उसको नीचे लाएंगे तो 80,000 अपॉन 10,000 कितना हो गया n, तो कितने का जाएगा 8 का जाएगा तो कितना होगा n इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या होगा आफ्टर 8 ईयर हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 8 ईयर हर सैलरी विल बी कितना चाहिए विल बी 2,50,000 कर पाएंगे। तो देखो अभी हम चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं, जितने भी सॉल्व एग्जांपल मैंने स्किप कर दिया वो सारे सॉल्व एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके सबमिट करना है ओके। तो हम चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय ओके। एक बात सुनो, मैं सभी को असाइनमेंट सेंड करने वाला हूं इस चैप्टर के, उस असाइनमेंट आपको घर में सॉल्व करना है और सॉल्व करके जमा करना है ओके ठीक है। तो चलो